कोरोना महामारी के दौरान अगर कोई राजनेता था तो वो था जो इंदौर के जो क्षेत्र क्रमांक एक के विधायक है संजय शुक्ला, उनका आज उसी मामले में जो उनके खिलाफ बहुत सारे अलग अलग अपराध दर्ज हुए थे और उन अपराधों को लेकर आज जमानत कराई है, क्या कहेंगे संजय भैया? आज मैं 102-103 की जमानत करने आया, 307 की जमानत करने आया था। मैं तो आज वो जमानत कराना था जो मेरे भगवान लोग, जो मेरे भगवान जो संकट में थे कोरोना महामारी के अंदर, उन लोगों के लिए वो भगवान जो बेचारे घर से निकल नहीं पा रहे थे उन लोगों के लिए मैं लगातार कोरोना में एक साल तक हम लगातार लड़ते रहे। उसके लिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय विनय बागलीवाल जी, विशाल हमारे विधायक विशाल पटेल जी और मैं, क्योंकि चुनाव पास में आ गए, कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी मुझे बनाया गया था तो उसकी जमानत कराए थे, परंतु हम डरने वाले नहीं। एक क्या 100 केस लगा दें, जनता मेरी भगवान है, भगवान उनके लिए मेरा फर्ज है काम करना है। एक नहीं, दो केस नहीं, 1000 केस लगाते, मैं किसी से डरने वाला नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोरोना ने जिसने काम करा वही सच्चा आदमी है, जिसने काम नहीं करा, क्योंकि जब दुनिया के अंदर दुनिया में लोग बेचारे बीमार पड़े थे, अपने परिवार के समाज के लोग इस बार हो रहे थे, खाने को नहीं मिल रहा था, सब कुछ नहीं हो रहा था। देखिए, मैंने कोरोना महामारी के अंदर इस बेटे ने, जो छोटा सा बेटा है, जो बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको 25-25 साल से देखा था जनता ने कि नहीं हमारा दुख सुख के अंदर आदमी खड़ा होगा, परंतु इस बेटे ने आदरणीय हमारे कांग्रेस परिवार के सब लोगों ने मिलकर वो काम कर दिखाया कोरोना के अंदर, कि सरकार अपने घर बैठी हुई थी उसको जगाया, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे उसके लिए जगाया, इंजेक्शन हमारे गरीब परिवार को नहीं मिल रहे थे तो हमने बोला कि भैया हमसे पैसे लो, उनको इंजेक्शन देना है। हमारे गरीब परिवार के लोग अस्पताल भर्ती, गरीब लोग भर्ती नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए अस्पताल खुलवाने के लिए मैंने मेरा अपना नर्सिंग कॉलेज, मेरा हॉस्टल देने की तैयारी हुई, शिशु कुंज भी खुलवाने की व्यवस्था करी, परंतु इन्होंने नहीं खोला। वो भी आज जो कोर्ट में जमानत करना आया हूँ, उस टाइम कोर्ट ने बोला नहीं खोलोगे तो मैं आप पे कार्रवाई कर दूंगा, उसके बाद खुला था और ये कार्रवाई उसी की उसमें हुई थी।